हेलो तो वेब होस्टिंग क्या होती है किसे वेब होस्टिंग कहते हैं और किस लिए इसे वेब होस्टिंग कहा जाता है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आइए सबसे पहला पॉइंट कि वेब होस्टिंग क्या होती है वेब होस्टिंग इज द प्लेस वेर ऑल द फाइल ऑफ योर वेबसाइट लीव इट इज लाइक द होम ऑफ योर वेबसाइट वेअर इट एक्चुअली लीव यानी वेब होस्टिंग क्या होती है वेब होस्टिंग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारी सारी फाइल जो किससे रिलेटेड होती है वेबसाइट से रिलेटेड सारी फाइलों को क्या किया जाता है रखा जाता है इट इज लाइक द होम ऑफ योर वेबसाइट वेयर इट एक्चुअली लिवस यानी क्या होता है ये हमारी वेबसाइट के घर जैसा होता है जहां पे क्या की जाती है वेबसाइट को रखा जाता है उससे रिलेटेड फाइल्स को जो वेबसाइट से रिलेटेड है उनको वहां पे रखा जाता है पहला पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों कि वेबसाइट क्या होती है वेबसाइट एक क्या होती है प्लेस होती है वेबसाइट इज द प्लेस वेयर ऑल दी फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट जहां पे हमारी वेबसाइट की सारी फाइल को क्या किया जाता है लीव यानी रखा जाता है इट इज लाइक द होम ये किसके जैसा है एक घर जैसा है ऑफ योर वेबसाइट यानी हमारी वेबसाइट के घर जैसा वेयर इट एक्चुअली लीव जहां पे इन्हें क्या किया जाता है एक्चुअली में रखा जाता है समझ में आया दूसरा पॉइंट कि ए गुड वे टू थिंक अबाउट दिस इज इफ द डोमेन नेम वॉज द एड्रेस ऑफ योर हाउस दैन वेब हॉस्टिंग इज द एक्चुअल हाउस डैट एड्रेस पॉइंट टू यानि एक अच्छा तरीका क्या इसे समझने का अच्छा तरीका यह समझने के लिए कि अगर डोमेन नेम आपके घर का पता है इट मीन्स क्या है अगर डोमेन नेम आपके घर का एड्रेस है तो जो वेब हॉस्टिंग है वो क्या है एक्चुअल हाउस है जो क्या करता है डोमेन नेम जिसको एड्रेस करता है क्लियर हुआ दोस्तों वेब होस्टिंग का कि वेब होस्टिंग क्या है कि ए गुड वे टू थिंक अबाउट दिस इज इफ द डोमेन नेम वॉज द एड्रेस ऑफ योर हाउस यानी एक अच्छा तरीका क्या सोचने का सोचने का अच्छा तरीका यह है कि अगर डोमेन नेम क्या है डोमेन नेम अगर घर का एड्रेस है डोमेन नेम क्या है तो घर का एड्रेस है तो जो घर है वो किसको कह रहा है देन वेब होस्टिंग इज द एक्चुअल हाउस तो वेब होस्टिंग क्या है एक्चुअल हाउस है यानी वेब होस्टिंग वो घर है जिसे क्या किया डोमेन नेम ने एड्रेस या पॉइंट किया हुआ है ठीक है दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया दोस्तों होप कि एक गुड वे क्या है थिंक ए गुड वे टू थिंक अबाउट दिस इज इफ द डोमेन नेम वॉज द एड्रेस ऑफ योर हाउस अगर डोमेन नेम क्या है हमारे घर का या वेब होस्टिंग के घर का क्या है वो पता है तो क्या है कि जो वेब होस्टिंग है वो क्या है वो जगह है जो डोमेन नेम क्या कर रहा पॉइंट करता है या तो फिर टारगेट करता है ठीक है क्या वेब होस्टिंग थर्ड पॉइंट ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट नीड वेब होस्टिंग जितनी भी इंटरनेट में वेबसाइट है सभी वेबसाइट को वेब होस्टिंग की जरूरत होती है एंड इट्स कंपल्सरी और ये क्या है कंपल्सरी है क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट दोस्तों चौथा पॉइंट वेन सम वन एंटर योर डोमेन नेम इन द ब्राउज़र अगर कोई हमारा डोमेन नेम को ब्राउजर में एंटर करता है तो द डोमेन नेम इज ट्रांसलेटेड इन टू द आई पी एड्रेस फिर क्या होता है वो डोमेन नेम किस में ट्रांसलेट कर दिया जाता है आई पी एड्रेस में ट्रांसलेट कर दिया जाता है ऑफ योर वेब होस्टिंग कंपनीज कंप्यूटर और वो किस में कि सपोज कोई यूजर है उस यूजर ने क्या किया वो कोई डोमेन सर्च करना चाहता है या किसी वेबसाइट में जाना चाहता है तो किसी वेबसाइट में जाने के लिए क्या करेगा वो गूगल के सर्च ब्राउजर में या सर्च बार में उस वेबसाइट डोमेन का नाम लिखेगा डोमेन का नाम लिखने के बाद वो डोमेन क्या करेगा इंटरनली वो किस में बदल जाएगा आईपी एड्रेस में बदल जाएगा वो जब आईपी एड्रेस बदल जाएगा तो आईपी एड्रेस किसको टारगेट करेगा उस हाउस को टारगेट करेगा जिसका डोमेन नेम उस वेब होस्टिंग ने दिया हुआ है जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि द डोमेन नेम इज ट्रांसलेटेड इन टू द आई एड्रेस ऑफ योर वेब होस्टिंग कंपनीज कंप्यूटर यानी कि वो किसको टारगेट करेगा उस वेब होस्टिंग को टारगेट करेगा जिसने उस आईपी का क्या दिया हुआ है एड्रेस दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट दिस कंप्यूटर ऑल्सो नॉन एज अस्टिंग सर्वर और इस तरह के कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं यानी वेब हॉस्टिंग को हम किसके नाम से जानते हैं हॉस्टिंग सर्वर के नाम से भी जानते हैं क्यों क्योंकि कंटेन योर वेबसाइट फाइल क्योंकि ये क्या करता है हमारी वेबसाइट की जो फाइल होती है उनको कंटेन करता है एंड इट सेंड फाइल बैक टू द यूजर वेब प्राउजर और ये क्या करता है उन्हीं रखी हुई फाइलों को जब यूजर सर्च करता है तो उनको यूजर को भी वापस भेजता है ठीक है वेब होस्टिंग का एक दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों उसका नाम है होस्टिंग सर्वर और होस्टिंग सर्वर इसे या वेबसाइट होस्टिंग इसे क्यों कहा गया है वेब होस्टिंग इसे या होस्टिंग सर्वर से क्यों कहा गया क्योंकि ये क्या करता है हमारी वेबसाइट की सारी फाइलों को रखता है कंटेन करता है और ये क्या करता है उन फाइलों को वापस यूजर्स को भेज देता है जब यूजर क्या करता है ब्राउजर पे उस डोमेन को या उस वेबसाइट को सर्च करता है तो उनको वापस भेज देता है नेक्स्ट पॉइंट आता है वेब होस्टिंग कंपनीज स्पेशलाइज इन स्टोरिंग एंड सर्विंग वेबसाइट जो वेब होस्टिंग कंपनियां होती हैं वो किस में स्पेशलाइज हैं यानी कि उनकी जो खासियत है वो क्या है स्टोर करना और वेबसाइट को सर्व करना यानी कि वेबसाइट बांटना या तो फिर जो डाटा है फाइल है उनको स्टोर करना दे ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग प्लान वो क्या करती हैं कंपनियां अलग अलग तरीके का होस्टिंग प्लान को ऑफर करती हैं टू देयर कस्टमर अपने कस्टमर्स को इंक्लूडिंग शेयर्ड होस्टिंग वीपीएस होस्टिंग मैनेज वर्ल्ड होस्टिंग क्लाउड होस्टिंग ई कॉमर्स होस्टिंग एंड मोर यानी कई कई तरीके से जो वेब होस्टिंग की कंपनी है वो क्या करती है अपने अपने कस्टमरों को अलग अलग तरीके का होस्टिंग प्लान ऑफर करती हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड यानी कि क्या क्या इंक्लूड करती हैं एक शेयर्ड होस्टिंग हो गया बीपीएस होस्टिंग हो गया मैनेज वर्ल्ड होस्टिंग हो गया क्लाउड होस्टिंग हो गया ई e कॉमर्स होस्टिंग हो गया एंड मोर और भी चीजें हो गई ये सारी चीजें क्या करती है कंपनी अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है ठीक है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमारी वेब होस्टिंग के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों